हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कैनी न्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। आज का ये वीडियो ट्रैक मेंटेनर स्पेशल होने वाला है। आज हम इस वीडियो में ट्रैक मेंटेनर के सबसे जटिल गंभीर मुद्दे एलडीसी के ऊपर बात करेंगे। तो सभी ट्रैक मेंटेनर साथियों से सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि ये वीडियो पूरा देखिएगा और ट्रैक मेंटेनर साथियों के बीच दबा के शेयर कीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। एलडीसी क्या है, एलडीसी ओपन क्यों जरूरी है ट्रैक मेंटेनर के लिए, ये सब लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे एलडीसी ओपन कैसे किया जाए और इसके लिए क्या क्या रणनीति बनाया जाए। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं एलडीसी सबसे ज्यादा जरूरी किन साथियों के लिए है। तो एलडीसी उन साथियों के लिए अत्यंत आवश्यक है जिनका एज खत्म होते जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप रेलवे 2012 या उसके पहले 2013 वगैरह में ज्वाइन किए हैं तो आज के डेट में आपका जो एज होगा वो 32, 33, 35, 37 कुछ भी हो सकता है और कितने साथियों का एज खत्म भी हो गया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपका एज खत्म हो जाए उसके बाद एलडीसी ओपन हो भी जाए तो आपको क्या बेनिफिट। तो समय के पहले एलडीसी ओपन होगा तभी जाके हमारे सभी साथियों का कल्याण हो पाएगा, और जब तक एलडीसी ओपन नहीं होगा तब तक ट्रैक मेंटेनर का कल्याण नहीं होने वाला है। ना उनका आर्थिक स्तर पे विकास होगा, ना सामाजिक यानी कि रेल के अंदर उनका विकास होगा, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय रेल में ट्रैक मेंटेनर एक ऐसा पद है जिसको सब लोग हे दृष्टि से देखता है। उनको कोई मान सम्मान इज्जत करना नहीं जानता क्योंकि उनका काम इतना कठिन होता है, इतना रिस्क वाला होता है, इतना हार्ड होता है, इतना गंदगी वाला होता है कि कोई भी आदमी उनको मान सम्मान नहीं देता है। और उनका सबसे ज्यादा पिछड़ेपन का कारण है कि उनको प्रमोशन का चांसेस नहीं मिलता है। इसलिए जब तक एलडीसी ओपन नहीं होगा तब तक उनको प्रमोशन के चांसेस नहीं मिलेंगे, और जब तक प्रमोशन के चांसेस नहीं मिलेंगे तब तक उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए एलडीसी ओपन अत्यंत आवश्यक है। वहीं रेलवे के दूसरे ग्रुप डी पदों की बात किया जाए तो वहां पे प्रमोशन रिकॉर्ड इतने अच्छे होते हैं कि वो लोग 2-3 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। टीसीसीसी गार्ड, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट सब बन जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनका जो प्रमोशन का चांसेस होता है वो नियर अबाउट 100% होता है। लगभग जितने लोग होते हैं सब प्रमोट करके आगे चले जाते हैं और वहीं पे ट्रैक मेंटेनर बेचारा टुकुर देखते रह जाता है और दिन रात ट्रैक पे मेहनत करते रह जाता है। ये विसंगति जो है, इतनी अधिक विसंगति, इसको लेके तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी का जो हनन हो रहा है उस पे हम लोग जाके और जीत के भी आ सकते हैं, क्योंकि आप सोचो एक ही एग्जाम से पास करके बंदे आते हैं ग्रुप डी में और कोई कहां से कहां चला जाता है कि कोई राजा भोज हो जाता है, कोई गंगू तेली ही रह जाता है। ऐसी विसंगति, हम लोगों को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाए। और कुछ लोग अब यहां पे ये तर्क दे देते हैं कि ट्रैक मेंटेनर जो होता है वो तो कम मार्क वाला होता है, कम स्कोर वाला होता है, तभी तो उसको ट्रैक मेंटेनर मिलता है, और पॉइंट्समैन पोर्टर वगैरह जो है उनको ज्यादा मार्क्स मिलता है इसलिए वो पोर्टर पॉइंट्समैन बन जाते हैं। तो ये सरासर गलत है। आप एक आम कैंडिडेट के दृष्टिकोण से सोचिए, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी वो देते हैं जो ज्यादा सीट होता है, क्योंकि आपके दिमाग में उस वक्त ये होता है कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए। और दूसरा, कई लोगों को तो ये भी मालूम नहीं होता कि ट्रैक मेंटेनर है क्या, उनका काम क्या है, वो फॉर्म भर देते हैं। अब चॉइस आपका ये हो जाता है कि ट्रैक मेंटेनर, तो आपका 100 में 100 भी आ जाए तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगा। इसलिए ये कहना कि इसमें जो है सो कि कम स्कोर वाला आता है, ये सरासर गलत है। अब हम बात करते हैं फेडरेशन की। भारतीय रेल में 2 फेडरेशन, AIRF, NFIR, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग जानते हैं। और फेडरेशन गाहे बगाहे हर वक्त ये कहते रहते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है तो कहते हैं कि जो ट्रैक मेंटेनर है ये सिर्फ भारतीय रेल का बैकबोन नहीं है, ये फेडरेशन का भी बैकबोन है। तो क्या कोई भी इंसान जो बैकबोन किसी चीज को मानता है उसको ऐसे इग्नोर करेगा क्या, ऐसे उसको तरपने के लिए छोड़ेगा क्या? ये सोचने वाली बात है। और फेडरेशन को भी चाहिए कि आप बैकबोन नहीं फिंगर बोन ही मानते हैं तो भैया आप इसको एलडीसी ओपन दे दीजिए, क्योंकि जब ट्रैक मेंटेनर को एलडीसी ओपन दे दीजिएगा तो इसका कल्याण हो जाएगा और आपके शरीर का चाहे कोई भी अंग हो वो जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका पूरा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। यानी कि आप बैकबोन मानते हैं या फिंगर बोन मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, कम से कम आप ट्रैक मेंटेनर को एलडीसी ओपन दे दीजिए। हर एग्जाम में ट्रैक मेंटेनर को बैठने की अनुमति दे दीजिए। जो तेज होगा वो निकालेगा, जो तेज नहीं होगा वो नहीं निकालेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
इसलिए फेडरेशन से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट जेसीएम जब भी आपका रेलवे बोर्ड के साथ हो, आप वहां पे एलडीसी के मुद्दे पे मोहर लगवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड को भी ये मालूम है कि एलडीसी ओपन हो जाने पे कंपटीशन बढ़ेगा और क्रीम कैंडिडेट रेलवे को मिलेगा, जिससे रेलवे को फायदा होगा। तभी तो वो आपसे कई बार सहमति मांग चुका है एलडीसी ओपन को लेकर, लेकिन आप लोग सहमति क्यों नहीं देते हैं? साहब, आप गरीब ट्रैक मेंटेनरों का कल्याण कर दीजिए, इसका भी भला कर दीजिए, इसको भी सामाजिक आर्थिक रूप से जो है सो कि विकास करने का मौका दीजिए। आपको यकीनन ट्रैक मेंटेनर भगवान की तरह पूजेगा, आपको सदियों तक कुर्सी से हिलाने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ आप ही आप रहिएगा ट्रैक मेंटेनर, आपको तन मन धन से जो है सो कि सपोर्ट करेगा। एक बात जो खटकने वाली है वो ये है कि ट्रैक मेंटेनर की इतनी अधिक आबादी, लगभग 3.5 लाख होने के बावजूद भी फेडरेशन इन पे ध्यान नहीं देते हैं। वहीं पे अगर ऑपरेटिंग और कमर्शियल दोनों विभाग के ग्रुप डी कर्मचारियों की संख्या अगर ट्रैक मेंटेनर से कंपेयर किया जाए तो 25% से भी कम है, उसके बावजूद भी उनकी बात ये लोग मानते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, कहां पे एलडीसी की लड़ाई कमजोर पड़ जाती है? तो इसका जवाब जानने के लिए हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे। लास्ट यूनियन इलेक्शन 2013 में हुआ था और फेडरेशन सत्ता में आए थे। 2012 में जो बैच आए थे वो लोग अपना वोट को कास्ट किए थे, तब जो है फेडरेशन ने ये सपना दिखाया था ट्रैक मेंटेनर को कि हम आपके जीवन को सुनहरा बनाएंगे, हम आपके प्रमोशन के चांसेस को सृजन करेंगे, बहुत सारी बातें किए थे। एलडीसी चूंकि उस वक्त हम लोग नहीं जानते थे, अनजान थे, इसलिए ट्रैक मेंटेनर उन पर ट्रस्ट करके और एक तरफा उनको वोट कास्ट किया और उनको हर जगह से विजयी बनाया। लेकिन उसके बाद जो है सो कि जब एलडीसी की वैल्यू समझ में आई और जब ट्रैक मेंटेनर एलडीसी का डिमांड किए तो फेडरेशन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो जब रिएक्शन नहीं दिया तो उसमें जो है मोस्ट ऑफ द ट्रैक मेंटेनर धीरे धीरे फेडरेशन से मोह भंग होने लगा। उसके बावजूद भी कुछ जो ट्रैक मेंटेनर हैं उनको आज भी ये लगता है कि नहीं, हम फेडरेशन के साथ हैं, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। फेडरेशन का साथ ही वो अपना विकास मानते हैं, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो। इस तरह से क्या है कि ट्रैक मेंटेनर को लड़ाई जो कमजोर हो रही है उसके पीछे भी ट्रैक मेंटेनर ही है। लेकिन क्या कुछ ट्रैक मेंटेनर के बदौलत ये लड़ाई को हम इतना कमजोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो आज भी फेडरेशन के साथ को ही अपना विकास मानते हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं, उनको हम इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं कि जो फेडरेशन के साथ है उनको कोई भी आजादी ना है, ना ही अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, ना कुछ अपने से करने की आजादी है। जी हां, कुछ बोलते भी हैं तो स्क्रिप्टेड बोलते हैं। चाहे ट्रैक मेंटेनर के कितने बड़े नेता क्यों ना हो, उनको बोलने के पहले परमिशन लेना पड़ता है, तभी वो दो वर्ड बोल सकते हैं। जहां पे बोलने की आजादी नहीं है वहां पे क्या उन लोगों से हम एलडीसी की उम्मीद लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ट्विटर ट्रेंड चलाने की जो कई दिनों से मुहिम चल रही है, हर जोन से ट्रैक मेंटेनर सोशल मीडिया पे ट्विटर ट्रेंड चलाने की बात चल कर रहे हैं और ट्विटर ट्रेंड चलना भी चाहिए। तो कई लोगों से हमारी बात हुई, तो बात करने के बाद जो एक डेट फिक्स हुआ है वो 25 जून है, क्योंकि 26 जून को जेसीएम मीटिंग है। चाहे वो मीटिंग भले ही फाइनेंस विभाग के साथ हो, डीओपीटी के साथ हो, लेकिन उसमें रेलवे के भी मेंबर होंगे, तो कुछ रेल कर्मचारियों से संबंधित डीए के अलावा और चर्चा होगा। तो ऐसा मानना है कि 25 जून सही है और इस डेट को हम लोग जो है सो कि ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे। और इस डेट में ट्विटर ट्रेंड क्या चलेगा, एलडीसी ओपन फॉर ट्रैक मेंटेनर, एलडीसी ओपन फॉर ऑल ना करके यहां पे हम फेडरेशन को टैग करेंगे, क्योंकि फेडरेशन सोई हुई है, उनको लगता है कि जो कुछ साथी हमारे साथ है वो सबको अपने साथ ले आएंगे। तो ये भ्रम को दूर करना है और उनको ये एहसास दिलाना है कि जब तक आप एलडीसी ओपन नहीं करवाते हैं ट्रैक मेंटेनर आपके साथ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कुछ के सहारे सभी ट्रैक मेंटेनर को ले आएंगे और ये बोल देने से कि बैकबोन है, या फिर आप जो है सो कि जूता रेनकोट और छोटी छोटी बेनिफिट दिलवा देने से, छुट्टी छपाटी और जो है चार्जशीट वगैरह माफ करवाने से आप ये चाहते हैं कि ट्रैक मेंटेनर का वोट मिल जाएगा, तो ये गलत फहमी है। उनको इस बात का एहसास दिलाना है ट्रैक मेंटेनर का मुख्य मुद्दा एलडीसी है और एलडीसी जब तक आप क्लियर नहीं करवाइएगा ट्रैक मेंटेनर आपके साथ नहीं आएगा। इस बात का एहसास दिलाने के लिए फेडरेशन को हैशटैग में लाना पड़ेगा। इसलिए जो हैशटैग डिसाइड हुआ है वो डिसाइड हुआ है हैशटैग नो एलडीसी ओपन फॉर ट्रैकमैन नो वोट टू फेडरेशंस। जी हां, ये टैगलाइन आप निश्चित याद रखिए, नो एलडीसी ओपन फॉर ट्रैकमैन नो वोट टू फेडरेशन। जी हां, जब तक एलडीसी ओपन नहीं तब तक कोई वोट नहीं, और ये जो है हैशटैग के साथ हम चलेंगे और इसमें हम जितना ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सके, रीट्वीट कर सके, टारगेट 1 लाख से अधिक ट्वीट।
ट्विटर अभियान में मेनली हम लोगों को रेलवे बोर्ड अध्यक्ष, रेल मंत्री और फेडरेशन को टैग करना है। जी हाँ, AIRF, NFIR और फेडरेशन के दोनों माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी, रघवैया जी को भी टैग करना है। तो खास तौर पे हमें जो टैग करना है वो रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और दोनों फेडरेशन। इसके अलावा आप AIRTU, RKTA और भी किसी साथी को आप टैग कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। फेडरेशन को टैग करके NO LDC ओपन फॉर ट्रैक मैन, नो वोट टू फेडरेशन। अब इसमें ट्रैक मैन जोड़ना है क्योंकि इनको इस बात का एहसास दिला सके कि इस ट्विटर अभियान में सभी ट्रैक मेंटेनर है जो हमारे अगेंस्ट हैं, यानी कि उनको नींद से जगाना है और अपनी यूनिटी का एहसास दिलाना है। इसलिए ये ट्विटर ट्रेंड 25 जून को चलाना है हम लोगों को। आपको बराबर से स्क्रीन पे दिख रहा है, हैशटैग में कोई मिस्टेक नहीं होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, NO LDC ओपन फॉर ट्रैक मैन, नो वोट टू फेडरेशंस, सेम टू सेम, एक भी वर्ड कैरेक्टर को मिस्टेक नहीं करना है, इसी के साथ चलना है। सुबह 9 बजे से लेके शाम में 9 बजे तक हम लोग ट्रेंड करवाएंगे। जिन साथियों को जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे ट्वीट रीट्वीट कीजिए, सभी लोग एक दूसरे के ट्विटर आईडी को फॉलो कीजिए, सभी लोग ट्विटर पे आइए, जो साथी का ट्विटर नहीं बना है आसपास के साथी उनको हेल्प करें ट्विटर बनाएं, और अपने आप को अब डिजिटल करने का जमाना है। और साथ ही साथ जो यूनियन ट्रैक मेंटेनर के नाम पे बने हैं AIRTU, RKTA, उन लोगों से भी निवेदन है, AIRTU से खास कर निवेदन है क्योंकि वो फेडरेशन से संबंधित नहीं है, आप लोग इस मुहिम को बढ़ चढ़ के साथ दीजिए और ट्रैक मेंटेनर के हक की आवाज उठाइए। और RKTA को भी ये निवेदन है कि आप सपोर्ट करते हैं जब फेडरेशन को, तो आप इस मुद्दे को जल्द से जल्द सट आउट करवाइए। अगर इलेक्शन के पहले सट आउट हो जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले, अन्यथा ट्रैक मेंटेनर सिर्फ खोखले वादों में झांसे में आने वाले नहीं है, ये बात सब गांठ बांध लीजिए। क्योंकि ट्रैकमैन यूनियन ये मानती है कि यदि फेडरेशन चाहे तो LDC के मुद्दे को एक JCM में सट आउट कर सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन जब रेलवे बोर्ड अध्यक्ष माननीय अश्वनी लोहानी जी थे तब उनसे बार बार मिलके और लेटर के माध्यम से उनको इस बात का एहसास दिला दिया था कि LDC में अगर ट्रैक मेंटेनर को शामिल किया जाता है तो रेलवे को प्रमोशन चैनल में सुधार मिलेगा और क्रीम कैंडिडेट मिलेंगे, अच्छे कैंडिडेट प्रमोशन के रूप में मिलेंगे, जिससे बेनिफिट कहीं ना कहीं रेलवे को होगा। तो उस वक्त जो है रेलवे बोर्ड ने दोनों फेडरेशन से ये सुझाव मांगा था कि नहीं LDC ओपन कर दिया जाए और ट्रैक मेंटेनर को शामिल किया जाए, तो दोनों फेडरेशन ने कुछ कुछ अपना कॉजेस दिखाया था, तब से पेज फंसा हुआ है। तो फेडरेशन के हाथ में ही, यानी कि फेडरेशन के पाले में ही ये गेंद है कि जहां मन है वहां मार दे। तो इसीलिए बार बार इस वीडियो के माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फेडरेशन से कि आप जो है जग जाइए। लेकिन ट्रैक मेंटेनर को क्या करना है, तो ट्रैक मेंटेनर को यहां पे ट्विटर ट्रेंड चलाना है और ट्विटर को 25 जून को रॉक कर देना है, लाख से भी ज्यादा ट्वीट पढ़ने चाहिए, और फेडरेशन को उस वक्त नींद से जगाना है और एहसास दिलाना है अपनी यूनिटी के बारे में, तब जाके कुछ होगा। ट्रैकमैन भाइयों, आगे की रणनीति ये रहेगी कि हर महीने एक डेट चुना जाएगा, एक अलग हैशटैग चुना जाएगा और हर महीने ट्विटर ट्रेंड चलाया जाएगा। ये लगातार 2-3 महीना चलाने के बाद सितंबर तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो सितंबर में एक बड़ा जन आंदोलन दिल्ली के अंदर करना है। दिल्ली में सभी जोन से ट्रैक मेंटेनर इकट्ठा होकर और दिल्ली में 1 सितंबर में बड़ा जन आंदोलन करेंगे, उसके बाद वहीं पर फैसला होगा कि अब इस मुद्दे को कौन सी नई रूपरेखा देना है, सुप्रीम कोर्ट चलना है, कैसे चलना है, सभी व्यापक तौर पे उसी दिन चर्चा होगा। स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ेंगे और अपनी डेस्टिनेशन को जल्द से जल्द अचीव करेंगे। इस मुद्दे पे आप लोग कमर कस लीजिए, पॉकेट ढीला कर लीजिए। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि ट्रैक मेंटेनर भाइयों के दिलों में जोश और जज्बा जगाया जा सके, उनको यूनाइट किया जा सके। आगे की रणनीति समय समय पर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिलहाल 25 तारीख याद रखिए, ट्विटर ट्रेंड करवाने के लिए तैयार रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ट्रैक मेंटेनर के बीच शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।